ओम शांति। 16 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे परिस्थान में ऊंच पद पाने के लिए अपनी अवस्था को एक रस रखने का पुरुषार्थ रखना करना है। एक रस अवस्था हमारी बन जाए उसके लिए हम अटेंशन देंगे एक की मत, एक से सारे रस लेने हैं, स्वराज्य अधिकारी बनना है, माया जीत बनना है और सर्विस में बिजी रहना है, तब हमारी अवस्था एक रस रह सकती है। एक की मत, आज की मुरली में बाबा की मत है सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि देवता सदा ही हर्षित रहते हैं। तो ये संस्कार अपने अंदर धारण करना है। हम सदा मुस्कुराते तब रह सकते हैं अगर अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे। हम पूरे कल्प में अपने श्रेष्ठ स्वरूप को, अपनी श्रेष्ठ पद को स्मृति में रखेंगे, चक्कर को बुद्धि में घुमाते रहेंगे तो हम सदा संगम पर हर्षित रहेंगे। जब आदि में हम आए थे तो गोल्डन एजिड थे, सतो प्रधान थे, वहाँ श्रृंगारित थे, 100% वॉइसलेस थे, फर्स्ट क्लास राज्य था, अपार सुख थे। जैसे ही हम वाम मार्ग में आते हैं अनेक धर्म आ जाते हैं और जिसके कारण हम अनेकों की भक्ति करते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, स्व को भूल जाते हैं। और जब मध्य में आते हैं तो अशांति और असुरी संप्रदाय के बन जाते हैं, अपार दुखी हो जाते हैं। तो संगम पर जब हम आते हैं तो बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं, तो हम सुख शांति पवित्रता के स्वराज्य की स्थापना में बाप के मददगार बनते हैं। तो हमें बाबा समझाते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, देवता बनना है। तो इस तरह जब ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे तो हम सदा हर्षित रहेंगे। दूसरी मत आज की मुरली में बाबा ने दी, बाप समान पर उपकारी बनना है। बाप समान पर उपकारी बनने के लिए पहले स्व पर उपकार करना है। कोई भी किसी भी बात में गुस्सा नहीं करना है और उदास नहीं होना है। पर उपकारी बोलेंगे रहम दिल बनना, बाप के साथ युग लगाकर शांति की शक्ति को अपने अंदर पहले धारण करना है, गुण और शक्तियों को धारण करके फिर उसका दान देना है, तब हम मास्टर दाता कहलाएंगे। तो ये जो मत है आज अटेंशन में रखेंगे, मुस्कुराते रहना है, पर उपकारी बनना है, ज्ञान का चिंतन करते रहना है, तब हमारी अवस्था एक रस रहेगी। दूसरा है एक रस अवस्था बनाना है तो माया जीत बनना है। माया के तूफान तो बाबा ने कहा पिछाड़ी तक आते रहेंगे, लेकिन हमें स्थैर्यम रहना है, अचल अडोल रहना है, एक रस रहना है। जितना हम माया के तूफानों में एक रस रहेंगे उतना ही भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। तो इसके लिए बाबा ने जो हमारा श्रृंगार किया है उस श्रृंगार को स्मृति में रखकर उसका स्वरूप बनना है। माया के वश होकर के उस श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है, तो इस बात का अटेंशन रखेंगे। माया जीत बनने के लिए हमें ड्रामा के राज को स्मृति में रखना है, क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का राज समझाया है। जो ड्रामा के राज को अगर हम स्मृति में रखते हैं तो हमारी अवस्था सदा ही एकरस रहती है, स्थैर्यम रहती है। तूफान आते हैं और बुद्धि में हलचल नहीं होती है। इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, ये स्मृति में रखते हुए अपने आप को अचल अडोल रखना है, क्योंकि इस समय बाबा हमें अपने जैसा बनाने के लिए आए हैं। हमें बनना क्या है उस बात को ध्यान में रखना है। सबका अपना पार्ट है लेकिन मुझे नंबर वन जाना है। तीसरा, माया जीत बनना है तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन करके रहना है, ज्ञानी तो आत्मा बन करके रहना है। ज्ञानी तो आत्मा का हर संकल्प, हर कर्म जो होता है
वो आदि मध्य अंत के राज को जान करके करते हैं तो उसको बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमारी रचना है। अगर रचना हमारी अच्छी नहीं है तो हमारी अवस्था भी एक रस नहीं रह सकती। तो इसलिए पहले सोचना है फिर कर्म करना है। तो ज्ञानी तो आत्मा की विशेषता अपने अंदर धारण करनी है, फिर सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, तब हमारी अवस्था एक रस रह सकती है। जब हम स्वराज्य अधिकारी होंगे, आत्मा का बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा पाठ अविनाशी है, मैं छोटी सी बिंदी हूँ, इसका भी रियलाइजेशन संगम पर ही बाप ने करवाया है। तो ये रियलाइजेशन जब होगा तो बाहर का प्रभाव आत्मा के अंदर नहीं आएगा। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो प्रभाव से मुक्त रहेंगे, हमारी अवस्था एक रस रहेगी। अवस्था को एक रस रखने के लिए अपने आप को सर्विस में बिजी रखना है, क्योंकि इस समय हम पावन बन करके पावन दुनिया की स्थापना करने में बाप के मददगार बनते हैं। तो विराट रूप के चित्र के ऊपर समझाना है, ज्ञान और भक्ति का अंतर बताना है, त्रिमूर्ति के गोले के ऊपर और झाड़ के चित्र के ऊपर समझाना है, इन सब का पहले ज्ञान अपने अंदर चिंतन करना है और फिर समझाना है। हद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य क्या होता है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इस तरह ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जितना हम इनका चिंतन में रहेंगे, सेवा में बिजी रहेंगे, तो हमारी अवस्था मजबूत होती जाएगी, तब हम परिस्थान में ऊंच पद पाने के लायक बनेंगे। ओम शांति।